Om Shanti, aaj 23 November 2021, Baba ke mahavakya hai, Meethe Bachche, is drama mein tum hero heroine paatdhari ho, sare kalp mein tumhare jaisa hero paat aur kisi ka bhi nahi, prashna hai, manushya se devata banne ka imtihan कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की, तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान है स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।